दुकान खोलते ही बाप बेटे का मर्डर, बदमाशों ने दौड़ाकर सिर और सीने में मारी गोली, ग्राहक बुलाने को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बुधवार सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों ने बाप बेटे की हत्या कर दी। सुबह करीब 8 बजे बाप बेटे दुकान खोलकर सफाई कर रहे थे, इसी बीच बाइक से पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों की गोलियों से बचने के लिए बाप बेटे एक निर्माणाधीन मकान की तरफ भागे। इसके बाद हमलावरों ने दौड़ाकर बाप बेटे को सिर और सीने में गोली मार दी। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदार बाजार की है। सूचना पर चार थानों की पुलिस फोर्स के साथ एसपी अनुराग आर्या व आईजी अखिलेश कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना के पीछे पुराना विवाद बता रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले रशीद अहमद सरदार बाजार में अपनी मकान में रेडीमेड कपड़े का व्यापार करते थे। बुधवार को रशीद अहमद अपने छोटे बेटे सोएब के साथ दुकान खोलकर साफ सफाई कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक की दुकान के सामने एक और कपड़े की दुकान है। दोनों दुकानदारों के बीच लगभग 4 साल पहले से ग्राहक को अपनी तरफ बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके साथ ही कुछ महीने पहले मारपीट भी हुई थी। मारपीट के मुकदमे में मृतक पक्ष के लोग जेल भी जा चुके हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होता रहता था। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मामले में मृतक के बेटे ने तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ जांच कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी अनुराग आर्या ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में ग्राहक को बुलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, चार्जशीट भी लगी है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में एसओजी और सर्विलांस टीम को लगा दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही हमलावरों को पकड़ कर घटना का खुलासा किया जाएगा। आज कुछ नहीं हुआ था। मेरे ससुर को बैठे थे दुकान खोलकर, और मेरे देवर भी थे, मेरे आए हैं सब, ये सब पवन पंकज ये सब मेरे ससुर को मारे हैं सब, पहले कैमरा तोड़े हैं सब, और ससुर को गोली मारकर मेरे देवर भाग रहे थे। तो इधर कोई सीसी कैमरा तोड़ रहा है, तो कोई गोली चला रहा है, तो कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई मेरे ससुर को मारे हैं सब, और मेरे देवर को घर में घुस कर सब मारे हैं। घर में जाकर 3 गोली, उसके बाद हम लोग आए, उठाए हैं, बैठाए हैं हम लोग को। क्या क्या नाम है जिनको गोली मारे हैं? मेरे ससुर का नाम है रशीद, अब्दुल रशीद, और मेरे देवर का अरे सोहेब अख्तर। फिर उसके बाद सूचना पुलिस को आपने दिया कैसे? सूचना हम लोग दिए हैं, जैसे और लोग जुट गए, जब आग लगा दिए हैं सब दुकान में, तो जैसे जनता पब्लिक जुट गए हैं लोग, तो वो लोग अपना जैसे बुताए हैं। बुताने के बाद फोन वो भी लोग कर रहे हैं, घर वाले भी कर रहे हैं, यानी फोन नहीं लग रहा था, वीजे बोल रहा था, फिर पता नहीं कैसे लगा है किसी से। मौके पर अधिकारी लोग आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? नहीं। आगे आग क्यों लगा दिए? आग भी लगाई गई? जब मान लिया सभी को ना, जैसे वो मर गए हैं जब, तो आग लगा दिया दुकान में कि इसको आग जला दो, तो कोई है नहीं जब बुझाने वाला, वही सब बुझा। क्या चाहते हैं आप, बताइए? बस हम चाहते हैं जान के बदले जान, क्योंकि केस मुकदमा करने से कोई फायदा नहीं है। होगा होगा, हमेशा होता है ऐसा। पूर्व में भी कोई विवाद था क्या? पूर्व में इनसे कुछ विवाद था? कोई विवाद नहीं था, वो हमेशा जैसे ये इसके सामने दुकान है ना, तो गाहकी आते जाते थे, तो उन लोग को पकड़ कर लेकर आता था, तो वो सब गाहकी नहीं जाते थे इसके पे, तो मेरे ही पे जाते थे। उसके बाद वो गाहकी चला जाता था, तो झगड़ा करता था हम लोग से, तो ये होता था जाने दो, कर रहा है करने दो। योगी जी से हम इंसाफ चाहते हैं, तो खून का बल्ला खून, या तो हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 भाई बचे हैं। आज हमारे 2 भाई की जान गई, कल को वो भी जान, हमारे पास कोई नहीं, बस 2 भाई बचे हैं, एक बड़ा एक छोटा। जान का मतलब जान का मतलब, या तो हमें सपोर्ट। दुकान पे होटल पे घाटी समोसा लाने आ रहे हैं, पीछे से वायरिंग कर दिया, मार दिया, तो पीछे मुड़कर ताके, तब तक सब कोई मारने लगा, बस ये भी लोग गए मारने, फिर तब तक घर में आ रहे हैं, पुलिस आ गया तुरंत। आज पुलिस को फोन हो रहा है बार बार, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद घर में पुलिस आया है। ओ बंद हो गए, ओ लगे, ओ ना ओ ना, बोलेगा सब पार दिया तो प्रशासन आ, तुरंत पुलिस आ जाती है, ऐसा झूठ का पुलिस आ जाती है, फायरिंग भी नहीं होता, झगड़ा भी नहीं होता, पुलिस आ जाती है, मुकदमा हो जाता है, यहाँ मारा जाते हैं हम लोग घर में, मारी जाते हैं बच्चे, मारे जाते हैं, हमारे नहीं आता चल रहा है साल भर पहले एप्लीकेशन में, और मेरी माता जी एसपी ऑफिस पे लेकर गए, तो बोले जाइए आपके भाई बाप दबंगई कर रहे हैं। हाँ, जुर्म हो गया, 300 मुकदमा हमारे ऊपर हुआ।
अच्छा। जेल हम लोग भाई गए, तीनों लोग जेल खट के आए थे महीने बाद, फिर उसके बाद अपना ही हरदम करता है, हरदम करता है। तो हम लोग बचने के लिए एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, मगर पुलिस वाले, दरोगा वाले, एसपी वाले कोई भी नहीं लेता है हम लोग का संभाल। आज आपके परिवार और सब अचानक से आकर मेरे पापा पढ़ कर बैठे थे, नमाज तिलावत कर कर, तब तक आकर गोली दुकान में आग लगा दी और गोली चला दी। अब मेरा भाई घर में भागता हुआ आया, बस उसको दौड़ा कर हाथ में सींग में सब गोली मार दी है घर में। उसके उसके बीवी के मेरे भाई आए थे, उसको भी मारे, इतना मारे उसके बाल, उसके बच्चे को भी इतना मारे, उसको गोली नहीं चले, बस उसको हाथ से मारे। हाँ, मेरे सामने हुआ था ये सब। आज यहाँ जो घटना घटी थाना महाराजगंज के सरदा बाजार में, आज अब्दुल लतीफ और उसके पति की गोली मार हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है, मित्रा जी की, बिल्कुल मित्रा जी के लोगों के हाथ पे आरोप है। और उनका कहना है इनके आपस में दुकानदारी में लेके जो ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद के बाद पुराने दिन में एक अंतर में लिखे हैं, उन्होंने क्लासिक लगी हुई एक कोर्ट के आदेश को लिखा है, तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और अपनी कार्रवाई हो चुकी थी कोर्ट। अभी ये ताज़ा घटना है और इस घटना के तहत लिखे की गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का बच्चे नाश हो चुके हैं, तो कुछ मदद ही रहेगी सरकार? पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर से हम लोग अपना पुलिस की कार्रवाई, फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई देखा जाएगा। अब तक कोई गिरफ्तारी मेरे साथ? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, ये तैयार रह जाएगी, उसके बाद तुम लोग तय करा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।